हाँ बोलो भैया, क्या बोल रहे हैं? यदि यदि ए से आरंभ करके ए से आरंभ करके हर एक एकांतरित अक्षर हर एक एकांतरित अक्षर या अंक को एकांतरित अक्षर या अंक को अक्षर या अंक को, हाँ, हटाते जाए तो हटाते जाए तो कौन सा अंक कौन सा अंक नई स्थिति में नई स्थिति में आपकी बाई ओर से आपकी बाई ओर से दूसरे अंक दूसरे के अंक के दाई ओर चौथा होगा, दाई ओर चौथा चौथा होगा, है ना? ऑप्शन बोलो जरा। ई ई आठ आठ चार चार डब्ल्यू डब्ल्यू इनमें से नहीं। और एक ऑप्शन ले रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं। सात सात ए ए एच के एच के एस आर एस आर आठ दो आठ दो एम जेड एम जेड ई ई फोर फोर यू यू डब्ल्यू एन डब्ल्यू एन एस क्यू एस क्यू डी सी डी सी आठ वाई आठ वाई एक्स एल एक्स एल नो एफ नो एफ जी ओ। ए से आरंभ करके हर एक एकांतरित अक्षर या अंक को हटाते जाए तो कौन सा अंक नई स्थिति में आपकी बाई से दूसरे अंक के दाईं ओर छठा अंक होगा। देखो, एक ए से आरंभ करना है तो एक इसको हटाना है। देखो, एकांतरिक मतलब इसको हटा दिया, इसके बाद कौन हटेगा, क्या हटेगा? तो इसको मैंने हटा दिया, इसको हटा दिया, फिर आर को मैंने हटा दिया, फिर दो को मैंने हटा दिया, फिर जेड को हटा दिया, फिर चार को हटा दिया, फिर डब्ल्यू को हटा दिया, फिर एस को हटा दिया, फिर डी को हटा दिया, फिर आठ को हटा दिया, फिर एक्स को हटा दिया, फिर नौ को हटा दिया और जी को हटा दिया। अब नई स्थिति ये बन गई। तो दाएं अब बाएं अब देखो, बाएं से दूसरा और दाएं से चौथा, दो और चार कितना हो गया? तो कहां से छे? बाएं से छे। तो बाएं से छे में एक नंबर पे सात हो गया, दो नंबर पे एच, तीन नंबर पे एस, चार नंबर पे आठ, ठीक है, पांच नंबर पे एम और छह नंबर पे ई। तो जवाब होगा कि बाएं से छठा, इसका मतलब कौन सा होगा? ई। तो हम ई ऑप्शन को राइट करेंगे। देखो, ऑप्शन में दे रखा होगा आपको ई ऑप्शन, बताओ। देखो, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? ऑप्शन है ई आठ ई आठ आठ चार डब्ल्यू चार डब्ल्यू डब्ल्यू। देखो, तो ई आ रहा ना, तो यहां पर अपन ए ऑप्शन को राइट करेंगे। आगे समझ में?